हे hey गाइस इस वीडियो पे हम 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का वो हम सॉल्व करने वाले इससे पहले हमने 2019 का पेपर देखा था तो वो वीडियो आप देख सकते हो इनके जो पीडीएफ के लिंक्स है वो मैंने नीचे आपको दे रखे ये बीकॉम का पेपर है लेकिन सभी के लिए यूजफुल है बी एस सी बी एक ही है आपका यू का तो इनके सोल्यूशनस हम देखते हैं इससे प्रीवियस वीडियो पर हमने दो का देखा था तो वो भी आप देख लेना अच्छा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन इज कॉल्ड इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फूड चेन है ठीक है तो ये जो प्रोसेस होती है ईटिंग एंड बिंग ईटन ये आपकी फूड चेन कहलाती है तो सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है ऑलरेडी टिक्ट आंसर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो जो अभी हम यहाँ पर देखेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है ठीक है इसमें मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपके सही है लेकिन कुछ में आपकी मिस्टेक्स है तो वो वो हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं एफॉरेस्टेशन इज नेसेसरी फॉर डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एफॉरेस्टेशन क्या होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ठीक है तो ये जरूरी है किसके लिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए तो फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट है ठीक है सेकेंड का ए आपका सही है तीसरा क्या है द वायरस कॉजिंग एड्स इज कौन सा वायरस है जो आपका एड्स कॉज करता है कौन सा वायरस है एच ठीक है एच की फुल फॉर्म आई तो क्या फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो एफिशियंसी सिंड्रोम सॉरी डिफिशियंसी सिंड्रोम और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है तो ये आपको यहाँ पर फुल फॉर्म्स रहती है ये भी पूछी जा सकती है लेड इज लेड क्या है लेड आपका एयर पॉल्यूटेंट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आपका निकलता है एयर पॉल्यूटेंट वैसे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा पे लेकिन आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया या आपके अर्थ क्रस्ट में ये आपका फाउंड होता है लेड तो आपका जो लेड है वो आपका एक एयर पॉल्यूटेंट है ये क्वेश्चन आपका दो हज़ार उन्नीस पे भी आया था अलग तरीके से पूछा गया था वो पूछा गया था कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से कौन सी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकलती है उसमें ऑप्शन आपका लेड नहीं दिया था तो उसमें सी ओ था आंसर तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो पेपर आप देख लेना उसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन पूछा है अच्छा फिर क्या बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टैंड फॉर इसमें देखो जो आंसर आपका रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो होता है कि एक्चुअली अगर आप इसका वो देखो एक आपका ग्राफ होता है सेट्स के फॉर्म में आपको मैं दिखाता हूँ एक आपका रहता है कुछ इस तरीके से ठीक है एक होता है आपका कुछ इस तरीके से और ये रहता है कुछ आपका ऐसे ठीक है इसके बीच में आपका यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई करता है सस्टेनेबल लाई करता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका तीनों का यूनियन है तीनों का कॉम्बिनेशन है किसका सबसे पहले आता है आपका सोशल इक्विटी सोशल इक्विटी का दूसरा है आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी का और तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का ठीक है तो तीन का यह आपका यूनियन होता है तो ये आपका इक्विलिब्रियम है बिटवीन इकोनॉमिक बिटवीन सोशल एंड इन्वायरमेंटल Needs. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा ठीक है देखो देखो क्या है the are areas of. हम किसको कहते High biodiversity, areas under threat. तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड इज उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है वो है क्या मोनाल इसको हम हिमालयन मोनाल भी कहते साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है तो वो है आपका लोपोफोरस इम्पेजेनस तो ये आपका मोनाल के जो आपके साइंटिफिक नेम है लोपोफोरस इम्पेजेनस तो वो आपका यहाँ पर रहते हैं हिमालयन मोनाल भी उसको हम कहते हैं स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड है ठीक है ईर्थ क्या है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम इज पिरामिड ऑफ एनर्जी एक इको एक सिस्टम इन्वर्टेड होती है ऑलवेज अपराइड होती है फर्स्ट इन्वर्टेड देन अपराइड नन ऑफ दी अब तो ये क्वेश्चन दो हजार उन्नीस से पूछा गया था इन्वर्टेड नहीं था आंसर आपका ये हमने देखा था ऑलवेज अपराइट ऑलवेज अपराइट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पिरामिड है ठीक है ये पिरामिड हमारे पास है तो होता क्या है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे आपकी जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है जैसे यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी तो नेक्स्ट, स्टेज, ने नेक्स्ट स्टेज में जाने पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है फिर अगले स्टेज में जाने पर आपकी एनर्जी फिर डिक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज़ करेगी तब जाकर आपका ये अपराइट है मतलब कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है यहाँ पर ठीक है ये आपको बता रहा है कि हर एक लेवल पे जाने पे हर एक ट्रॉफी लेवल पे जाने पे सक्सेसिव ट्रॉफी लेवल पे जाने पे आपकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है जिस तरीके से ये आपका अपराइड है ठीक है ये इन्वर्टेड नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑलवेज अपराइड होगा अगर इसमें आपकी स्टेजेस पूछी जाए तो क्या क्या होते हैं यहाँ पर आपका होता है प्रोड्यूसर सबसे नीचे जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है प्रोड्यूसर्स की ठीक है ये क्वेश्चन भी पूछा गया दूसरा आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर इसमें होते आपके प्राइमरी कंज्यूमर ठीक है इसमें आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर ये होते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्ट है आपका टर्शरी कंज्यूमर लास्ट है आपका टर्शरी कंज्यूमर ठीक है प्राइमरी फिर आप सॉरी प्रोड्यूसर सबसे हाइस्ट एनर्जी फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर तीसरा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर है आपका टर्चरी कंज्यूमर इसको मैं आपको नेट में भी दिखाता हूँ एक मिनट ये आपके पास यहाँ पर है क्या था पिरामिड ऑफ एनर्जी ठीक है पिरामिड ऑफ उफ... एनर्जी जी में हम देखते हैं यहाँ पर आप देखो ये वाला है इसमें आप देखो सबसे नीचे है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फिर कंज्यूमर्स हो गए फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स फिर थर्ड लेवल कंज्यूमर्स फिर आपके एपेक्स प्रीडेटर्स आते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो पिरामिड है एनर्जी का वो चलता है ठीक है तो ये इससे भी क्वेश्चन से आते हैं प्रीवियस में पूछे गए तो इनको भी आपको देखना है ठीक अच्छा फिर क्या है नाइन्थ क्वेश्चन देखो डी डी टी इज डी डी टी क्या है ये आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे डिग्रेड नहीं कर पाते ठीक है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस तो डी डी टी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है क्या होता है डी डी टी का ये आपने देखा है क्लास ट्वेल्थ में हेलो स में पॉली हेलोजन कंपाउंड में पढ़ा होगा आपने डी क्या होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ये आपका फॉर्मूला होता है डी डी टी डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉसिस ओजोन लेयर के डेप्लीशन से क्या होता है तो सी करेक्ट ऑप्शन है स्किन कैंसर आपका होता है ओजोन लेयर के डिप्लेशन से इसको हम प्रॉपरली क्या कहते हैं नॉन मेलोनामा स्किन कैंसर ठीक है तो ये आपका सी राइट है डी सही आंसर है। है, है? इनमें से कौन सा आपका सबसे नीचे वाले हाइस्ट एनर्जी रहेगा वो क्या है ग्रास मतलब प्लांट्स ग्रास से जो प्लांट्स भी लिखा जा सकता है तो प्लांट्स अगर आप कहो तो प्लांट्स भी करेक्ट आंसर है ठीक है तो पहले ग्रास होता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम इनमें से कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है इको सिस्टम का कौन सा नहीं है सॉइल ऑर्गेनिज्म, बी वाला आपका ये अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है यह आपका एक बायोटिक कंपोनेंट है ठीक है एयर आपका अबायोटिक है वाटर आपका बायोटिक है सॉइल आपका

ग्रीन हाउस गैस हम किसको यहाँ पर कहते हैं इन चारों में से मिथेन आपका सही यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस अगर आप देखो तो ग्रीन हाउस गैस आपकी पॉल्यूटेंट होती है यह आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाती है तो मिथेन यहाँ पर करेक्ट आंसर है अगर और पूछे ग्रीन हाउस गैसेज तो सी है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज एसो हो गया क्लोरो हो गया ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ठीक है ग्रीन हाउस गैसेस आपकी ये रिलीज नहीं करती है ये आपके नहीं होती है एस नहीं होती है एस नहीं होती है मिथेन आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है सी भी है एस भी है

तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है तो वो आपका टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल फिर अगले में टेन अगले में टेन इस तरीके से आपका ट्रांसफर होता है तो डी आपका करेक्ट आंसर है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपकी बायोमास है बी करेक्ट आंसर है नाइनटीन क्या है रिमूवल ऑफ डिकम्पोजिजर्स डिकम्पोजिजर्स डिकम्पोजर्स फ्रॉम द इको सिस्टम इफेक्ट अगर हम डिकम्पोजर्स को इको सिस्टम से रिमूव करते हैं तो क्या इफेक्ट आपका यहाँ पर होगा चार ऑप्शन आपको दे हैं। करेक्ट आंसर इसका है न्यूट्री साइकिलिंग का जो आपके मिनरल मूवमेंट है अगर हम डिकम्पोजिजर्स को ब्लॉक कर देंगे इको सिस्टम से तो वह आपका जो मिनरल का मूवमेंट हो रहा है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा मतलब अगर हम डिकम्पोजर को रिमूव करेंगे इको से तो आपका जो मिनरल का फ्लो है मिनरल का मूवमेंट है वो ब्लॉक होगा मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पर जो करेक्ट uh, आंसर है वो आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है फ्लो ऑफ एनर्जी एनर्जी आपकी ब्लॉक नहीं होती है डिकम्पोजर्ट को रिमूव करके वो तो आपकी जाएगी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स लेकिन न्यूट्रेंट साइक्लिंग आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी जो आपकी मिनरल मूवमेंट है वो आपके ब्लॉक हो जाएंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा वो न्यूट्रेंट साइकिलिंग है मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल सीवेज सही है द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय जो इकोसिस्टम का टर्म है वो किसने कॉइन किया था देखो ये क्वेश्चन आपका 2019 में क्या पूछा गया था इकोलॉजी का टर्म किसने प्रपोज किया था तो उस समय आंसर क्या था आपका वो आंसर आपका कुछ और था ठीक है वहां पर हैकल था आंसर आपका और यहाँ पर इकोसिस्टम का टर्म किसने कॉइन किया तो वो टेंसली है पूरा नाम इनका सर जी टेंसली है इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम का टर्म कॉइन किया था ठीक है राइटर ने यहाँ पर नहीं किया था राइटर ने आप कह सकते हो उसका जो फर्स्ट यूसेज था इकोसिस्टम का वो राइटर ने किया था लेकिन जो कॉइन किया था जो प्रपोज किया था वो आपका टेंसली ने किया था ठीक है सर अर्थर जी टेंसली ने ठीक है तो ये भी आपको ध्यान देना है फादर ऑफ इकोलॉजी हम ऑडम को कहते हैं और इकोलॉजी का जो टर्म है वो हैकल नहीं दिया था इको का जो टर्म कॉइन किया था वो टेंसली ने किया था राइटर ने पहला यूसेज दिया था इको का कॉइन नहीं किया था ठीक इसको आप और रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन गूगल पे सडन क्रैश इन पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन पे सडन क्रैश क्या कहते हैं हम जे कर्व और पॉपुलेशन कहते हैं कुछ इस तरीके से होता है जे शेप का तो इस सडन क्रैश जो आपको यहाँ पर दिखता है इसको हम कहते हैं यहाँ पर सडन क्रैश इन पॉपुलेशन ठीक है तो जे कर्व आपका करेक्ट आंसर है अच्छा ट्वेंटी थर्ड क्या है सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन इन अ बेयर एरिया इज कॉल्ड सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन किसी बेयर एरिया पे पंजर जमीन में तो सो एसेस कहते हैं या एक्स एस कहते हैं ठीक है तो ए वाला सही आंसर है इसको मैं प्रोनाउंस बताएंगे कैसे करूँ एस 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 है या एकेस एस है तो आप देख लेना ठीक है ट्वेंटी फोर्थ क्या है सक्सेशन ऑफ प्लांट दैट स्टार्ट इन एन एक्वेटिक रीजन इज कॉल्ड जैरोसेअर हाइड्रोसेर है प्लांट्स का सक्सेशन जो एक्वेटिक रीजन पे जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है अगर वहां हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोसियर कहते हैं बी आपका करेक्ट आंसर पर है यही क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में 2019 से पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि अगर आपका सक्सेशन एक बेयर लैंड पे हो रहा है रॉक्स पे हो रहा है तो वो क्या वो प्राइमरी सक्सेशन आपका होता है जेरोसियर उसको हम कहते हैं लेकिन हाइड्रोसियर जो होता है ये आपका एक्वेटिक रीजन पे होता है ठीक अच्छा ट्वेंटी फिफ्थ क्या है आपके पास ट्वेंटी फिफ्थ है सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम पे एनर्जी का सोर्स क्या है सी आपका सन करेक्ट है है ठीक सन आपका मेन सोर्स है एनर्जी का इन एन इको सिस्टम वैसे अगर देखें तो ए टी पी भी आपका एक एनर्जी सोर्स है ए टी पी को हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफोसफेट ठीक है तो ये भी आपका एक मेन एनर्जी सोर्स है लेकिन अगर हम देखें दोनों में से कंपेयर करें तो सन इज द मेन एनर्जी सोर्स ठीक है तो ए भी वैसे है ए भी का आपको नेगलेक्ट नहीं करना लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर सन है ट्वेंटी सिक्स क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज ड्यू ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर एड्स नहीं होता है पॉल्यूटेड वाटर से ट्वेंटी सेवन्थ क्या है वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जुलाई एक से सात के बीच में होता है वन महोत्सव ट्वेंटी एट्थ है टोबैको स्मोकिंग इज कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर सही है करेक्ट आंसर ऑफ फूड चेन इज सही आंसर फूड चेन का क्या है इसमें से सी वाला सही है पहले ग्रास प्लांट्स होंगे इंसेक्ट खाएंगे फ्रॉक को इंसेक्ट खाएगा बर्ड को फ्रॉक खाएंगे बस ठीक है ये आपको हाँ पर चलता है 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 पूरा सी वाला करेक्ट आंसर अच्छा फिर क्या बायोडीजल इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम बायोडीजल कहा से ऑप्टेन होता है फ्रॉम जेट्रोफा थर्टी टू है थर्टी वन था द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वान्टिटी इन एयर एयर पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है नाइट्रोजन कितनी है अमाउंट भी पूछा जा सकता है 78 के आसपास आपके हाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ठीक है थर्टी टू क्या है नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है चमोली पे लोकेटेड है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अंदर आता है ठीक है तो ये आपके दो वैली जो है ऋषि गंगा और गोली गंगा वैली के बीच में आपका यहाँ पर ये लाई करता है ठीक है तो ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है ठीक है फ्लेमेबल गैस इन गैस प्लांट इज मिथेन ये आपकी गोबर गैस प्लांट है गोबर गैस प्लांट है ये देखना पड़ेगा मिथेन है वैसे आप तो इसका इसका आंसर थर्टी थर्ड का आपका ये आंसर है मिथेन अभी गोबल गैस है गोबर गैस हो गया वैसे गोबर गैस प्लांट मिथेन इसका आंसर होगा ठीक है थर्टी फोर्थ क्या है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल इज नोन फॉर द लीकेज ऑफ जो आपके भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी भोपाल पे तो वो जो यहां पर गैस लीक हुई थी कार्बाइड फैक्ट्री से वो आपकी कौन सी थी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस ठीक है तो ये भी आपको आना चाहिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस आपके यहाँ पर रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिटी में ठीक इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया पे कब इंप्लीमेंट हुआ 1973 पे सही आंसर है बी थर्टी है फ्लोरा इज अ टर्म यूज फॉर प्लांट्स फॉर एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग नेचुरल रिसोर्सिस सही है ए वाला अच्छा फिर आपका थर्टी एट क्या है सी एन जी इज प्रफर्ड ओवर एल पी जी बिकॉज इट इज लाइटर इजी टू ट्रांसपोर्ट लेस पॉल्यूशन कॉजिंग लेस कॉस्टली देखो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला है क्योंकि जो सी एन जी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको हम एल पी जी के ऊबर इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि ये कम ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं लेकिन एलपीजी अगर आप देखोगे तो ये सीओ टू रिलीज करते हैं है, लेकिन अगर हम सी को देखें तो इन ये जो आपके गैसेस रिलीज गैसे करते हैं सी एनजी वाला ठीक है, तो पॉल, है, है थर्टी नाइन क्या वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्टर उन्नीस में पूछा गया था सनलाइट इज सोर्स ऑफ वाइटमिन डी फोर्टी वन क्या डिकम्पोजिजर्स आर बैक्टे बैक्टीरिया फंगाई ये सब आपके डिकम्पोजर्स होते हैं uh, वॉम्स हो गया ये सब आपके डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं ठीक है फोर्टी टू क्या है हाई बायो डाइवर्सिटी इन एन इको सिस्टम ब्रिंग्स इन ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसी भी इको सिस्टम में क्या लाता है बैलेंस नहीं स्टेबिलिटी लाता है ग्रेट स्टेबिलिटी आपका लाता है तो बी इज अ राइट आंसर डिस्टर्बेंस नहीं स्टेबिलिटी लाता है ठीक है फोर्टी थ्री क्या द कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम आर इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स है पहला प्रोड्यूसर होता है दूसरा कंज्यूमर आते हैं और तीसरा डिकम्पोजर्स आते हैं ठीक है तो ये तीन आपके कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के ये आपके बाई लाइन होते पहले प्रोड्यूसर आएगा कंज्यूमर हो गए फिर आपके डिकम्पोजर हो गए अभी प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर इस तरीके से आपके होते तो पूरा आपका पिरामिड जाता है कंसेप्ट ऑफ पिरामिड इन इको सिस्टम गिवन बाई पिरामिड का कंसेप्ट इकोसिस्टम पे किसने दिया था एल्टन ने दिया था पूरा नाम इनका चार्ल्स एल्टन था 1927 पे इन्होंने पिरामिड का जो कंसेप्ट है वो दिया था इको के अंदर ठीक है पिरामिड समझ रहे हो याला कि पहला नीचे कंज्यूमर होगा प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर फिर आपका प्रोड्यूसर्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स रिकम्पोजर्स ऐसे तरीके से आपका आता है ठीक है फोर्टी फिफ्थ क्या है डिफॉरस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन सही है सी वाला आंसर लिथॉस्फियर मीन्स लिथॉस्फियर का मतलब क्या हुआ लिथॉसफियर आपके पास यहाँ पर क्या है लिथोस्फीयर का मतलब आपका रॉक होता है ठीक है लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट और मेंटल के वहाँ पर होता है अगर आप देखोगे तो आ, जैसे आपका ये है कुछ इस तरीके से ठीक है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या होता है जैसे ये आपका क्या हो गया क्रस्ट हो गया ठीक है ये आपका क्या हो गया मेंटल हो गया और ये आपका कोर हो गया तो आपका यहाँ लाई करता है लिथॉस्फियर यहाँ लाई करता है आपका लिथॉसफियर ठीक है तो इसका जो लिथॉस्फियर का इसमें लिथॉस्फियर का जो मतलब होता है वो रॉक्स होता है क्योंकि आपके सरफेस ऑफ आप अर्थ में होते ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो रॉक्स होगा फिर क्या है फोर्टी सेवन है फाइटो प्लैंकटॉन्स आर फाइटो प्लैंकटॉन्स हम किसे कहते हैं यहाँ पर हर्ब्स श्रब्स ट्रीज या माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स ये आपके जो डी वाला आंसर है माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स ये करेक्ट आंसर है ठीक है ये आपके सी क्रीचर्स के लिए फूड्स प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स है इसको हम माइक्रो एलगे भी कहते हैं फाइटो प्लांट्स को हम ये फाइटो प्लैक्टॉन्स को हम माइक्रो एलगे भी कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये कुछ कॉमन कॉमन चीज़ें है अलग से भी पूछी जा सकती है फोर्टी एट है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू नीली क्रांति या नील क्रांति किससे रिलेटेड है ठीक है ये आपका रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से फिशरीज से आपका ये रिलेटेड है फिशरीज को प्रमोट करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन ठीक है तो इंपॉर्टेंट है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ मेकिंग पेपर इज़ चीपेस्ट सोर्स क्या है बैम्बू है ठीक है तो बी वाला आंसर करेक्ट है आपका चीपेस्ट सोर्स फॉर मेकिंग पेपर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉन रेन्यूएबल सोर्स कौन सा आपका रेन्यू नहीं किया जा सकता जो एग्जॉस्ट हो जाता है तो मिनरल्स मेटल्स जो आपके होते हैं वो आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही आपके ये रेन्यू किए जा सकते हैं वैसे आपके रेन्यू नहीं होते ठीक है ठेके? तो 50 का जो आंसर है वो सी है दैट इज मिनरल्स तो ये पेपर था आपका 2018 का इसके जो पीडीएफ का लिंक है नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस वीडियो पे हमने 2019 का पेपर देखा था तो वो भी आप देखना ये अलग पेपर हमने देखा था तो इसकी पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे रखा है बाकी टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर दिया वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट वीडियो पे इससे जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका आया था दो का वो हम देखेंगे सो होप यू लाइक दिस वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू फॉर वॉचिंग